हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो डार्क डेविल इज हियर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बैटलफील्ड मोबाइल गेम के बारे में। सो इसके ऊपर एक क्विक अपडेट निकल कर आया था पहले, जो दो तीन दिन पहले इसके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सीक्रेटली, जहां पर पब्लिकली थी, वो सीक्रेटली नहीं थी, अनाउंस भी हो गया था। और जो अगर आप उसको सुनना चाहते हो तो आप उसके रजिस्टर कर सकते हो उस टाइम पर, लेकिन हाँ वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और मे बी उसके अंदर कुछ नई चीज़ें हमको देखने के लिए मिलेगी। सही, अब वो हुई थी, अब उसके ऊपर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के तो नहीं आई है, लेकिन हाँ इससे मेरे को एक अंदाजा लग रहा है कि बैटलफील्ड मोबाइल का जो अर्ली एक्सेस है वो आ सकता है, या फिर ग्लोबल लॉन्च है वो आ सकता है हमारे बैटलफील्ड मोबाइल का। हाँ, इतना कुछ अच्छा असर नहीं दिखाया उन्होंने अभी तक अपनी जनता के ऊपर। जो इंप्रेशंस हैं बैटलफील्ड मोबाइल के काफ़ी ही ख़राब हैं, क्योंकि यार मतलब बीटा के नाम पर पता ही क्या दिया था इन्होंने। और समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं गलत वर्ड यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ यूट्यूब मेरी फाड़ कर रखेगा, ठीक है। तो समझ जाओ तुम क्या कर रहे हो, अटैच डैश डैश फिल इन द ब्लैंक्स जो मैं बोलना चाहता हूँ, तुम समझ जाओ अपने माइंड के अंदर, ठीक है। जनता बहुत होशियार है आजकल की। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हमको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो 2023 के अंदर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन भाई अब तो 4 महीने बाकी है ना, मतलब हम फिर से ऐसी स्पेकुलेशन लगाए तो फिर नेक्स्ट ईयर हमको इसका ग्लोबल वर्जन देखने के लिए मिलेगा जनवरी फरवरी के महीने के अंदर। मतलब अब तक जो भी चीज़ें देखने के मिलेगी हमको आगे इन 4 महीनों के अंदर, वो तो शायद सॉफ्ट लॉन्च होगा या ओपन बीटा होगा, इन चीज़ों के अंदर हमको देखने के लिए मिलेंगे ये। अब ये अगर डिले भी करते जाएंगे तो इनके ऊपर भाई आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसे करके 3-4 महीने आराम से निकाल सकते हैं। अब अगर ये ऐसा करेंगे तो भाई फिर से जनता के ऊपर इंप्रेशन ख़राब होंगे, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और अगर टाइम लेते हैं 2 महीने बाद भी एक और बीटा लाते हैं, लेकिन वो अच्छे ग्राफिक्स के साथ आता है, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे ग्राफिक्स मतलब अच्छा गेम, ये बात सही है, बेटर ग्राफिक डजंट मीन बेटर गेम, बट ग्राफिक्स इज मस्ट नीडेड ऑन दी बिगेस्ट गेम। ओके भाई, छोटा मोटा गेम नहीं है ये, बिगेस्ट फ्रेंचाइजी है। अगर आप उसको फ़ोन पे पोर्ट कर रहे हो तो आपको उसको अच्छे ग्राफिक्स में लाना पड़ेगा, अच्छे पोटेंशियल के साथ लाना पड़ेगा, नहीं तो ये गेम आपके फ़ोन के अंदर नहीं चल पाएगा। आपके पास बड़ा नाम है, बस आपको दिमाग से खा के गेम को बड़ा करके इसको डालना है। बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी कि भाई कुछ खास नहीं बनाएंगे इस गेम को, टेस्ट वगैरह के लिए रखा है, लेकिन जिसके बाद इन्होंने बीटा वापस लाया है, तो हाँ थोड़ी सी उम्मीद देखो भी जागी है कि हाँ आने वाले फ्यूचर के अंदर हमको इसका अच्छे खासे बीटा देखने के लिए मिलेंगे। इट मीन्स अ न्यू मैप, न्यू मोड, ग्राफिक चेंजेस, ऑप्टिमाइजेशन चेंजेस, न्यू कैरेक्टर्स, न्यू एबिलिटीज एंड न्यू मोड्स लाइक बैटल ग्राउंड मोड एंड TDM मोड एंड मेनी मोर थिंग्स वी कैन सी इन द नेक्स्ट बीटास। सो आई होप दैट कैन डू विल इन फ्यूचर, ताकि हमको मजा आए गेम खेलने में, ठीक है। सो ये थे मेरे ओपिनियन बैटलफील्ड मोबाइल के, एक छोटे से ट्वीट के ऊपर मैंने इतना बड़ा वीडियो बना दिया, लेकिन हाँ पूरा इन्फॉर्मेशन बोलना जरूरी है, ठीक है। सो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, 2000 सब्सक्राइबर करने हैं चैनल के ऊपर जल्दी जल्दी, तो प्लीज़ यार नए बंदे हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।